सुनील जी तो हमेशा से ही है ना, बचपन से। बचपन बड़ा हुआ ही नहीं। थैंक यू थैंक यू। गायकी वैसे ही है। तो इसे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और ये जिंदगी गले लगा ले नया शो आने वाले 1 दिसंबर से। सर क्या कहना चाहेंगे, अनाउंसमेंट के टाइम हमने इतनी बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज अगर शो के बारे में आप कुछ बताएं कि क्या कुछ सुनने मिलेगा इस शो में। सबसे पहले रसिक श्रोता माई बाप को बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत खुशी की बात हो रही है कि काफ़ी टाइम से अवेटिंग हमारा ये खूबसूरत सा कार्यक्रम है जिंदगी गले लगा ले। एक सेकेंड कौन से माय एफ एम। सबसे पहले तो रसिक माई बाप सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत दिनों से इंतज़ार में रहे वो प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम है ज़िंदगी गले लगा ले, अल्टीमेटली माय एफएम पर आ रहा है 1 दिसंबर से। तो मुझे दिली बहुत खुशी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करें, और मेरे दर्शक जो हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी इसको पसंद करें, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्टूडियो रिफ्यूल में ये कार्यक्रम प्रोड्यूस किया है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, बिल्कुल मज़े की बात यह है कि सुरेश जी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, पद्मश्री से नवाजे हुए हैं, और सुरेश जी का जो टेक्सचर ऑफ वॉइस है वो एक हीलिंग टेक्सचर है। हीलिंग मतलब कि जब आप सुरेश जी की आवाज़ सुनेंगे तो आपको कुछ भी, एक कोई भी ऐसा लगेगा, किसी को सिरदर्द है, किसी को थोड़ा कुछ अजीब सा है, आप सुरेश जी का गाना सुन लीजिए कभी भी, यू विल फील कि आप हील हो रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा कोई डाउन फील हो या कभी ऐसा लगे, लगभग हम बात करें 24 घंटे, फिर 7 दिन, फिर 30 दिन, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आता है जिस दिन हमें फील होता है, थोड़ा लो फील करते हैं, सब चीज़ें सेम है, बट उस दिन अगर आपको ऐसा फील हो तो सुरेश जी का कोई भी गाना सुन लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यू विल फील हीलिंग आउट ऑफ दैट। और ये ऐसा नहीं है, ये मेरा, मैं बचपन से एक गाना सुनता हुआ आ रहा हूँ सुरेश जी का, वो था तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके। आप सोचिए उस वक्त बचपन के इमोशंस से लेकर जवानी, जवानी के इमोशंस से अभी तक एक मैच्योरिटी वाली जो एज है उस तक भी वो इमोशंस बहुत बरकरार हैं, और वो उसका जो, उसकी जो खुशबू है वो आज तक सेम वैसी है। तो ऐसे जो गाने सुरेश जी ने गाए हैं अपनी आवाज़ में, वो एक हील करते हैं। प्रोग्राम की थीम भी यही है, ऐस जिंदगी गले लगा ले। इफ़ यू फील समटाइम, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, इतने प्रेशर्स होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारा इस प्रोग्राम को लाने का एक ही मकसद है कि आप 5 दिन 6 दिन काम करें, संडे को आप अपने परिवार के साथ 1 घंटा निकालें, सिर्फ 1 घंटा, 8 से 9, बस अपने परिवार के साथ एक गाड़ी उठाइए, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या माता पिता के साथ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप बस एक जॉय राइड में निकल जाइए। अब आप सुनना शुरू कीजिए इस प्रोग्राम को, जब सुरेश जी की आवाज़ आपके कानों में आएगी तो यू विल फील ब्लेस्ड, आपको एक रिलैक्स फील होगा। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ना तो आपको ऐसा सांस लेके आप एक रिलैक्स फील करोगे इस आवाज़ के साथ, आप फील करना दोस्तों। सिद्धार्थ भी हैं माय एफएम पे, हम लोगों का टाइप भी जो हुआ वो बेसिक इसी चीज़ को लेके हुआ कि एक हीलिंग प्रोग्राम, एक घंटे का ऐसा प्रोग्राम जो एंटरटेन तो करेगा, आपको हील भी करेगा, एक एंथुसिज्म देगा आने वाले कल के लिए, आने वाले कल से, कल को डील करने के लिए। तो बेसिक प्रोग्राम का थीम सब कुछ सुरेश जी की वॉइस है। सुरेश जी की वॉइस आप मेडिसिन भी समझ सकते हैं, आप हीलिंग भी समझ सकते हैं, आप एक ऐसा शहद समझ सकते हैं जो अगर आपके कानों में घुला तो आपकी रगों में प्यार और मोहब्बत बन के जरूर दौड़ेगा दोस्तों। सर इसके अलावा क्योंकि ये शो है, सुरेश सर के गाने तो सुनने मिलेंगे, क्या सुरेश सर ने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए गाने रिकॉर्ड करने के, क्या वो एक्सपीरियंस भी
बड़ी मीठी और सच्ची सच्ची बातें हैं सुरेश जी की। अब जब आप सुरेश जी की आवाज़ सुनते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक टेक्सचर होता है, वो बहुत ईमानदारी का होता है। ऐसी ईमानदारी होती है कि जब एक वर्ड बोलते हैं तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, आप कोशिश ये करेंगे ये चलती रहे, ये बातचीत चलती रहे। तो सुरेश जी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ के, हमारे खट्टे मीठे सारे किस्से हैं जो मेरे करियर में या जिंदगी में गाने के वसीले से जो घटे हैं, वो मैं सबको सुनाऊंगा। जो शो रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कुमार भाई तो वेल रेड, और क्या कहते हैं ना कि सारी मालूमात उन्होंने मेरे बारे में इतनी रखी है, जो मैं भूल गया था वो भी याद करवाई उन्होंने। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है बहुत। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा, आपको इतना बताता हूं दोस्तों, इस शो में एक कागज भी हमने लिखा नहीं है। दिस इज ऑल अनस्क्रिप्टेड। जब सुरेश जी मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं उन्हें सादर प्रणाम करके, नमस्कार करके अंदर बैठ जाता हूं। हम दोनों एक रिकॉर्डिंग रूम में होते हैं, एक एक गिलास पानी का लेते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। सुरेश जी को ये नहीं पता होता मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और मुझे ये नहीं पता होता कि मैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये उसका क्या आंसर देंगे। ही इज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं प्रिपेयर नहीं हूं कि क्या आंसर देंगे। सो इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कोई उसी में, एक्चुअली उसी में मजा है कि आप सोच के फिर बहुत उसको क्या बोला ना, मलाई लगा के, शहद लगा के बोलेंगे। एक्सटेम्पोर जब आता है तो धाड़ करके जो भी सही बात होती है वो निकलती है, वो अच्छी हो क्रूड हो, मगर सही बात कहने का मजा आता है। जो बिना लिखा हुआ, बिना सोचा हुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन इस पूरे शो के अंदर स्क्रिप्टेड नहीं है। It is all non-scripted. चलेगा। So the things, पहला सबसे सच्ची चीज मेरा ये मानना है, देखो दोस्तों बिजनेस जब हम करते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जब हम मोहब्बत करते हैं तो दिल का इस्तेमाल करते हैं। ये मोहब्बत है, दिस इज प्योर मोहब्बत। सुरेश जी जब आप इस शो को सुनेंगे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सुने। आप जितने लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ संडे को जाएं, ईमानदारी से बेहतर काम करें, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आप बेहतर काम करें, सिर्फ संडे को 8 से 9 के बीच में एक जॉय राइड पे जाएं अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, जो भी आपका प्यारा अपना आपका है, आप जाएं और सिर्फ सुरेश जी की वॉइस का टेक्सचर सुने उस प्रोग्राम में, वो गाने सुने। ऑब्वियसली वो गानों का भी एक थीम है। अब जैसे वो अपन इंटेंसिव केयर में चले जाते हैं तो वो पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं, फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ इंटेंसिव केयर। आपका एक घंटे का इंटेंसिव केयर है जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे आप हैं, मेरा भी और सुरेश जी का, सुरेश जी का ये मानना है कि आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की सारी पावर्स, स्थिति सब सेम रहती है, बस आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, उस चीज को डील करने का तरीका बदल जाता है। चीज सब कुछ सेम है, आप ही उसको बदलते हैं, आप ही उसको सोचते हैं और आप ही उसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समय का फर्क होता है। मेरा मानना यह है कि जब आप कोई भी कठिनाई में होंगे, ऐसा है नहीं कि कोई भी कठिनाई में नहीं है, एवरीबडी, ये बहुत बड़ा बेसिक है लाइफ का कि आप अगर जी रहे हैं तो कोई ना कोई कठिनाई भी होगी, कोई ना कोई अच्छाई भी होगी। ये वही स्रोत हैं, ये वही एक ऐसा पवित्र स्रोत है कि आप इनके गाने, इनके आवाज और इन सब चीजों को इस पूरी इंटेंसिव केयर में रहेंगे तो यू विल फील बेटर। आप ब्लेस्ड समझेंगे अपने आप को कि यस वी आर समथिंग। आपको एक एनर्जी मिलेगी, सुरेश जी का एक एक वर्ड इतनी एनर्जी देता है कि अगर संडे को आपने वो एनर्जी ली तो 7 दिन चलेगी। अब 7 दिन के बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी, अब आदत हो जाएगी तो आप नेक्स्ट संडे को जाएंगे। सो दिस इज द फील ऑफ दिस शो एंड आई एम थैंकफुल टू माई FM, अभिषेक, सिद्धार्थ, सब लोग हैं कि उन लोगों को उनका मैसेज आया, उनका फोन आया। आपके क्रिएटिव हेड का क्या नाम है मैडम का? कंकना। कहते हैं सर ये जो सुरेश जी का ये 10 मिनट का कन्वर्सेशन है ना, अब इसको कहीं से काटने का मन ही नहीं कर रहा, इसको एडिट कैसे करूं? प्रॉब्लम ये है कि सीमा तो है ही, 1 घंटे की सीमा है, 8 गाने भी बजाने हैं, अब इसको काटूं कैसे? मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कहीं से इसको काटूं या कुछ करूं। तो आई सेड कि सीमा और वो है, आप ऐसा करिए जो गाना सुरेश जी का है, सपोज करिए ये जिंदगी गले लगा ले हैं,
तो उससे रिलेटेड सुरेश जी ने बोला 5 या 6 मिनट, तो उन्होंने दिल पे पत्थर रखे ना, उसको यहाँ से थोड़ा काटा, यहाँ से थोड़ा काटा, फिर बाद में कहते हैं सर नहीं काटते हैं, चलो कोई बात नहीं इसको पीसीस में। बट उसी तो ऐसे पहले एपिसोड में तुमसे मिलके वो एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने यह नहीं सुना होगा, राइट? तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अच्छा। मैंने अपनी लाइफ के जितने भी कपल्स देखे हैं, या तो उन्होंने इस सॉन्ग के ऊपर अपनी जो अपनी मैरिज हुई इन लोगों की तो इसके ऊपर डांस किया, या वो कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए तो उन लोगों ने गाना सुन के इस गाने को एंजॉय किया, न्यूली मैरिड कपल हनीमून पे गए तो ये गाना सुन के एक दूसरे की। सो दिस सॉन्ग इज अ रिफ्यूल ऑफ लाइफ, दिस सॉन्ग इज अ रिफ्यूल ऑफ लाइफ। आप अपने अंदर वो जोश, वो एनर्जी सुरेश जी के द्वारा गाए हुए सॉन्ग से ले सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि सुरेश जी ने जब वो गाना गाया, देखिए वो गाना है 90 के दशक का 80 के दशक का, उस वक्त आप कितने साल के थे, आज कितने साल के हैं, बड़ा चेंज आया होगा लाइफ में, कई सारी चीजें जो आप समझ गए होंगे, कई सारी चीजें जो अभी भी समझनी बाकी है, जो समझ गए होंगे और उनसे डील कर रहे हैं तो उसमें भी ये गाने हेल्प करेंगे, और जो समझ नहीं आ रही है उसकी एनर्जी को रिगेन करने के लिए गाने आपको बड़े काम करेंगे। सो इट इज अ कंप्लीट डोज, कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस ऑफ 1 आवर। आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार जस्ट इस जर्नी पर जाइए, मंडे टू फ्राइडे आप जैसे पहले काम कर रहे थे ना, और उसके अगले इस शो को सुनने के बाद जो काम करेंगे उसमें बहुत फर्क होगा दोस्तों। आपके अंदर एक शालीनता आ जाएगी, एक अग्रेशन खत्म हो जाएगा, एक आपको अप्रोच चेंज होना शुरू हो जाएगा आपके काम का, कि आप जिस भी चीज को आप डील कर रहे थे, किस एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, बट आप एक अच्छे से डील कर पाएंगे क्योंकि आप चित्त और मन से शांत हैं। आप 8 से 9 अपनी फैमिली के साथ रहिए। देखिए फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट होता है लाइफ का, सबसे बड़ा, फैमिली से बड़ा कोई नहीं है। फैमिली इज ओनली दी, आपका अच्छे बुरे समय में फैमिली साथ है। अब एक तो आपकी फैमिली साथ है और सुरेश जी की वॉइस है, तो कितनी बड़ी कॉकटेल है, 20 ml और आपकी फैमिली आधा ग्लास, तो दिस इज समथिंग, एक बहुत प्यारा शहद है। मैं चाहता हूँ आप अपने कानों से सुने और उसे दिल में होता है। आपने आपके क्वेश्चन में उसका बहुत बड़ी जवाब दिया आपने, यस, क्योंकि काश ये पता चलता रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि ये हिट होने वाला है, मगर वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, मालूम नहीं। और जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, संगीतकार की तरफ से या गायक की तरफ से, वो इतना हिट होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका हर प्रोग्राम उस गाने के सिवाय कंप्लीट नहीं होता, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता। उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए, मैं इसको बहुत मानता हूँ, कि वो गाना किस समय पे बना, कब रिकॉर्ड हुआ, किस फिल्म में आया, वो कैसे पिक्चराइज हुआ, उसकी कुंडली बन जाती है एक। और आपको मालूम है, अगर भविष्य को आप मानते हैं, तो हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भविष्य का काम चलता है, जिसका समय अच्छा हो, जिसकी कुंडली अच्छी हो, गाना कहिए, फिल्म कहिए, तो वो ना चाहते हुए भी चलेगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता, अपना काम मेहनत से करना चाहिए, अपनी फुल एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, तो भगवान तो सक्सेस दे ही देता है। एक्चुअली ये तो इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे, इस एपिसोड में है सर। सारी चीजें मैंने कही हुई है और आपको बहुत मजा आएगा, वो जैसे अभी रिवील करके उसका उस एपिसोड का मजा खत्म हो गया। कौन से गाने की बात कर रहे हैं? है जिंदगी, ये मैं कहीं रिकॉर्ड कर रहा था मेरा एक गाना, फिल्म फेमस में, फेमस तारदेव में,
तो मैं रिहर्सल कर रहा था माइक पे, इतने में देखा मैंने उत्तम सिंह जी और केसी लॉर्ड जी, और उनके पीछे एक छोटी सी मूर्ति, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद शर्ट और लुंगी सफ़ेद भस्म लगाया हुआ, तो वो अंदर आए तो उत्तम जी ने कहा कि सुरेश ये मिसे इलैयाराजा जी हैं, साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मुझे कोई ऐसी ये कोई दिखावा नहीं या कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि, क्योंकि मैंने मद्रास की तरफ की गानों को कभी सुना नहीं था, और उसकी वजह से ये मेरी क्या बोलते हैं ना कि बदनसीबी थी कि मैंने उनको मिलने के पहले उनको जाना नहीं था, मगर वो इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और एकदम सिंपल आए, मैंने उनको नमस्कार किया, रिस्पेक्ट दी, तो उन्होंने कहा कि इनके 3 गाने गाने हैं तुमने, फिल्म बन रही है और एक हफ्ते में ये गाने रिकॉर्ड होने हैं, तो तुम परसों रिहर्सल के लिए आ जाओ। जब मैंने पूरा उनका रंग ढंग देखा काम करने का, हारमोनियम ऐसे बजती थी उनके हाथ में जैसे पानी बह रहा है, फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम चल गया कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ साउथ की फिल्में की हुई है और बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। तो उत्तम जी ने कहा कि कोई भी लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार तुमको बताएंगे वो, तो तुम्हारा पिकअप जो है वो बहुत अच्छा रखना और ध्यान देना, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा सा सरगम वगैरह लिख लेता हूँ, तो बहुत अच्छे से मैंने गाने पिकअप किए उन्होंने और बड़े खुश हो गए वो। उसके बाद 2-3 फिल्मों में उनके लिए मैंने गाया, तो ये ऐ जिंदगी गले लगा ले एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही फिनोमिनल गाना रिकॉर्ड हुआ था। और देखिए उस वक्त कहाँ मालूम था ये गाना मुझे, वो गाना पिक्चर क्या रिलीज होने के बाद बोल भी नहीं मालूम, मुझे बोल भी मालूम याद नहीं थे, करीब फरमाइशें आई काफी सारी, जब फरमाइशें आने लग गई उस गाने की और जब मैंने गाया तो वही गाना 2-2 बार गाना पड़ता है मुझे आज भी स्टेज पे, तो इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। तो वो तो ना राजा साहब को मालूम था ना मुझे मालूम था, तो ये उसकी कुंडली अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया। सबसे ज्यादा बोल और किस सिचुएशन पे वो रिकॉर्ड हुआ पिक्चराइज हुआ है इसका भी ज्यादा महत्व होता है उसमें, इम्पोर्टेंस तो वही होती है, तभी जाके दो लोगों के दिल में लग जाता है। इसमें एक चीज और है सर, देखिए ये 80-90 के दशक की बात है, उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ रेडियो एक रिसोर्स था और या मूवी एक रिसोर्स था, मेरे ख्याल थिएटर आप में आप जाएंगे तो मूवी देखने के लिए। गाना वायरल होना, आज की डेट में आप सुबह लॉन्च करिए और शाम तक वायरल हो जाएगा, आप डेटा बताएंगे 4 करोड़ लोगों ने देख लिया, 5 करोड़ लोगों ने देख लिया, लेकिन उस वक्त सिर्फ क्वालिटी, उस वक्त ये अवेलेबल नहीं था। हाँ जैसे, ऐसा जैसे टीवी पे बार बार दिखाया जाता है, तो ये हमारे उस वक्त जिंदगी के टाइम पे वो सब अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब तो एक गाना 6-6 महीने पहले से ही बजाते हैं तो वैसे ही पॉपुलर, वैसे ही वायरल हो जाएगा। आप सिर्फ देखिए क्वालिटी के बेस पे और इस उम्दा, कितना उम्दा म्यूजिक था इलैयाराजा साहब का। मैंने अब जब आप सुनेंगे ये प्रोग्राम तो संगीत के भगवान आए हुए हैं, सुरेश जी ने उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट किया है। जब सुरेश जी ने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा तो वो सफेद कुर्ता धोती भस्म लगाए हुए, सुरेश जी को तो लगा भगवान है इस इंडस्ट्री के। अब आप देखिए वो गाना एक अमृत की तरह है, किसने लिखा, गुलजार साहब ने लिखा, गुलजार साहब ने लिखा, संगीत किसने दिया आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो कैसा प्लेनेट है कि जब इलैयाराजा साहब का एक म्यूजिक चल रहा है
दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, वो किस जगह पे है और सुरेश जी किस लय में गा रहे हैं। आप सोचो कितना बड़ा अमृत है, वो मंथन था पूरा, और वो मंथन होने के बाद जो अमृत निकला वो गाना निकला, इसलिए वो हिट हुआ। उस टाइम पे हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि हम उस गाने को वायरल कर दें। उसकी अपनी अपनी उसकी गाने की इतनी पावर थी, वो पावर हाउस था। गाया किसने? सुरेश वाडकर साहब ने। संगीत किसने दिया? इलैयाराजा साहब ने। और लिखा किसने? गुलजार साहब ने। सोचो त्रिवेणी, ये संगम सिर्फ आपको या तो वहां मिलेगा या ये उस गाने में था। और राजा साहब जैसा म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। आज भी गुण को अगर आप अगर नापा जाए तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा साहब है या मेरे दादू है रविंद्र जैन जी, ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री को नसीब नहीं होगा। ऐ जिंदगी गले लगा ली हमने भी, तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, ये अब आप लिख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जो होगी ना वो टेलीविजन के लिए होगी और सुरेश जी आएंगे। नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी ये बस नेक्स्ट मेरा यही है कि सुरेश जी के साथ मैं एक शो करता हूँ वो टेलीविजन पे, ठीक है, पॉडकास्ट होगा उसका, बट ये मैं आज डिस्कस करके आपको मगर एक चीज है ना, एक चीज है ना भैया कि हर वक्त आप टीवी के सामने तो होते नहीं है, गाड़ियों में आते जाते कितना रेडियो सुना जाता है सारी दुनिया में। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारी दुनिया में जाता हूँ शोज के लिए, कभी गाड़ी में हम लोग हमारे साथ हमको लेने आने जाने वाले तो हमारे अपने ही हिंदुस्तानी भाई बहन होते हैं, तो उनकी गाड़ी में वहाँ का FM लगा ही होता है और उसमें सब गाने बजते रहते हैं, उसमें से कभी 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 कभार हमारा भी गाना आ जाता है तो हमको खुशी हो जाती है, अच्छा अमेरिकन लोग हमको याद रखते हैं। तो ये बड़ा माध्यम है, they are blessed that they are listening the voice of Mr. सुरेश वाडकर। टीवी फिर भी मैं दो नंबर पे रखता हूँ क्योंकि रेडियो आपको आते जाते रेडियो सुनने को मिलता है, टीवी तो आपको देखना पड़ेगा और देखने जाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे या चल भी कैसे पाओगे, चित्र देखोगे नहीं तो उसका मजा नहीं आएगा, इससे अच्छा है ना रेडियो कान पे मधुर गीत घोलता रहता है। फर्क इनपुट डिवाइस का है, एक जगह सिर्फ कान है और सीधे दिल पे चले जाते हैं तो आई थिंक रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, एक जगह आंख है और कान है, लेकिन आंख जहां आ गई वहां आपका दिमाग जरूर यूज होगा, तो वो फिल्ट्रेशन और इस फिल्ट्रेशन में बहुत फर्क है। नेक्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड, बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड जो है वो एक रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ सिमुलेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं श्रोताओं के हिसाब से, उनके सजेशंस हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड से। 1 आवर, 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें लगभग 8 गाने हैं, बीच में एक टी ब्रेक है। अब वो टी ब्रेक की जगह बच्चे अगर ये कहें कि नहीं आइसक्रीम, तो उसका नाम आइसक्रीम ब्रेक भी है। वो गाड़ी चल रही है, सुरेश जी की वॉइस है, सुरेश जी का गाना है, फिर सुरेश जी का पसंदीदा दूसरा भी गाना है, ऐसे वो गाना चल रहा है। अब बच्चा पीछे बैठा है और चार गानों के बाद वो नॉस्टैल्जिक तो चल ही रहा है सब कुछ, अब सामने एक चाय की दुकान दिखती है या आइसक्रीम की दिखती है, आपने गाड़ी रोकी, आपने चाय पी लिया, अभी तो ठंड आने वाली है तो या तो चाय की चुस्की का ब्रेक या आइसक्रीम का ब्रेक, तो वो एक ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर 4 गाने, फिर अगले वीक का इंतजार। एक शो में 8 गाने हैं और 8 गानों के बीच में लगभग 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 आप मान लीजिए 1 घंटे का शो, 8 से 9। खट्टे में खट्टे मीठे किस्से आपको अच्छे लगेंगे जो मैंने भोगे हुए हैं सहे हुए हैं। कुमार साहब आपसे सवाल बनता है, आज की जनरेशन जो नया पीढ़ी है उनका म्यूजिक का जो चॉइस है बहुत ही डिफरेंट है, आपको लगता है कि आप लोग उनसे भी कनेक्ट कर पाएंगे? यही इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा ही ये है, एक इतना बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट पद्मश्री
जिसने 80 के दशक में 90 के दशक में गाने गाए जबकि रिसोर्सेज कम थे, बिल्कुल बहुत कम रिसोर्सेज थे। और आप ये मान के चलिए सर कि फिल्में हिट हो जाती हैं तो गाने भी हिट हो जाते हैं, लेकिन फिल्में हिट ना और गाने हिट हो जाएं तो आप उसको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर पावर है। आज सुरेश जी इस पीढ़ी में इस जगहों पे हैं, आज वो प्रोग्राम एक 20 साल का बच्चा भी सुन रहा है, आज मेरा बच्चा वो 16 साल का है, बट वो चार गाने सुनता है तो उनमें से ये निकाल के बता देता है उसके कानों से कि यार पापा दिस इज अ सॉन्ग बड़ा मेलोडियस है। तो मेलोडी तो आपके रगों में होती है बट आपको फाइंड करनी होती है। अब जब तक कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आप पूरे रेडियो सुनिए आपको कंटेंट क्या मिलता है, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, बट इस पूरे प्रोग्राम की थीम ये है कि ये एक शहद है, एक गुड़ है, आपने इसे मसाला बना दिया, आपने इसे ऐसी चटकारी वाली चीज बना दी। तो संगीत एक आत्मा है दोस्तों, संगीत एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हर घाव को हील कर सकती है, और उसमें भी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा गुड पीढ़ी का डॉक्टर अगर आपको वो डोज दे ना तो आई थिंक वो आपको लेनी चाहिए। तो वो ही थीम है कि आज की पीढ़ी को वो दौर वापस लेके आया जाए कि भाई ये संगीत की आत्मा थी और इसी को बेस बनाते हुए हम आगे चलना चाहिए। और अभी अभी आप देख ही रहे ना, करण अर्जुन फिर बन रही है, सुभाष जी ने कल ही कोई पिक्चर अनाउंस की है जी, तो इसका रीजन क्या है? उन्होंने ये ताड़ा होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि नई जनरेशन की क्या पसंद हो रही है, नहीं तो कौन इतने करोड़ों रुपए लगा के फिर वो फिल्में बनाएगा। तो ये, और वैसे भी भैया दुनिया तो गोल है, जहां से शुरू होगी वापस तो आना है उसने, तभी तो कंप्लीट होगा ना वो, बिल्कुल। और सर्कल कंप्लीट करना हर एक के नसीब में होना चाहिए, तब वो बीच बीच के जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको वो कंपेयर कर पाएगा कि नहीं भाई वो जो जहाँ पे आके मेरा जो गोल कंप्लीट हो गया है वो बेस्ट टाइम था, वापस आ गया है। आने दीजिए, जितने भी टाइम आते हैं वो आके चले जाएंगे, मगर जो हमने पहले एक्सपीरियंस किए हुए वो वापस आते हैं तो उसका आनंद दोबाला हो जाता है। कुमार जी, मेरा सवाल एक आपसे है कि हमारे पास लीजेंडरी पद्मश्री सुरेश वाडकर साहब जैसे सिंगर है, इसके बावजूद जो नए फिल्म निर्माता है वो इस तरह के मतलब नगीने को पहचान, बहुत बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की, दे आर नॉट ब्लेस्ड। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हर दरवाजे पे नॉक करती है, हर दरवाजे पे। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे जैसे हजार प्रोड्यूसर हैं, उनके दरवाजे पे भी ये नॉक हुआ था। आपको डिपेंड करता है आप कितनी दूर देख सकते हैं, आप उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये 50 mm की एक लकड़ी है, 100 mm की एक चट्टान है, उसके पीछे क्या है। एक हीरा हमेशा आपको खदान में ही मिलेगा, दिस इज यू हाउ यू डिस्कवर। मेरा एक सपना था, सपना ये फर्स्ट एपिसोड में मैंने उस चीज को बोला है, मैं बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटे और मध्यम वर्गीय, मुझे पता है 300 रुपए में घर कैसे चलता है, मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, राइट, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये जो वॉइस था ना, हर आदमी का ड्रीम होता है, किसी का ये है कि मैं ये गाड़ी रोल्स रॉयस लूँ, मैं ये लूँ। मेरा एक ड्रीम था कि जिस इंसान ने ये गाना गाया है ना, जिस भगवान ने, एक बार मैं उससे जरूर मिलूँ, एक बार। और भगवान ने क्या नवाजा कि मैं उनके बिल्कुल पास में हूँ। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम लोग इसको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं ही समझता हूँ, बट मैंने जो अपॉर्चुनिटी समझी है ना, वो एक बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को समझना चाहिए। इंडस्ट्री में काम रोक देना ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी, उन लोगों की बहुत बड़ी भूल थी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आज जिसने 10,000 गाने गाए हैं उसके 10 गाने हिट हैं, और जिसने 40 गाने गाए उसके 20 गाने हिट हैं। आप रेशो समझ सकते हैं इस चीज का क्या होगा। दिस इज क्वालिटी, दिस इज ओनली द क्वालिटी। इंडस्ट्री से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये गोला है, एक जितने जिस गोले में जो आ गए बस वो ही रह जाते हैं। इस गोले को भेदना बहुत मुश्किल है, ये चक्रव्यूह है किसका, आपने ये चक्रव्यूह पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज वी आर ब्लेस्ड कि हमने इस चक्रव्यूह को भेदा। हमें फाइनेंशियली या कुछ, सुरेश जी की वॉइस करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, मेरा इससे बड़ा कोई एम नहीं है। अगर पहले एपिसोड में मेरे ख्याल माई एफएम के लिस्टनर 7th CR है,
7 करोड़ लिसनरशिप है इन लोगों की, 30 सिटीज में और 7 स्टेट्स में ये लॉन्च हो रहा है। इतना कैपेबिलिटी भगवान ने, ईश्वर ने दिया, और जो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ हैं आवाज से भी और सब चीजों भी, अगर ये 7 करोड़ लोग सुन लेंगे ना दोस्तों, तो 7 करोड़ के परिवार घर पे जाके एक अच्छा एनवायरनमेंट लेके आएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट। जिन लोगों ने छोड़ दिया, जो लोग नहीं कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं समझ पाए, टचवुड आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद सुरेश। मैं इसका एक अलग सा छोटा सा जवाब है कि एक जो लीडर होता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, अगर हमारे यहाँ की जो पद्धति है कि उस म्यूजिक डायरेक्टर को बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करते हैं, अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो जैसे स्टैंप लगता है ना, ये बहुत बुरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए, अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, नहीं तो बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको। बिल्कुल, वो जैसे एक भेड़ आगे चलता है तो उसके पीछे हजारों भेड़ चलने शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज का ख्याल हर म्यूजिक डायरेक्टर ने रखना चाहिए कि भाई तुमको काम नहीं करना है किसी के साथ, मत करो, मगर तुम फैलाओ मत। अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़िए मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के ऊपर बड़ा असर हो जाता है उसका, या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा तो वो आपकी खामी है, मगर बाकियों के दिमाग में क्यों डालते हो, और कितनी खराब बात है ये। और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पनपती नहीं है। आपने हिस्ट्री से देख रहे होंगे, कोई राज नहीं कर पाता। 2000 फिल्में बनती है अगर साल की, उसमें से 6 चलती है, तो आपने क्या कुछ नहीं, क्या पा लिया उससे। अगर हर इंसान का आशीर्वाद, मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन पे जा रहा हूं, अगर हर इंसान का आशीर्वाद ले लो तो 2000 में से 1700 फिल्में चलनी चाहिए। बिल्कुल, तब ये इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री शुरू से ही फ्लोरिशिंग है नहीं है। बिल्कुल, कोई 3 आदमी फिल्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी रोल्स रॉयस लेके आया, वो बॉम्बे में चलाने लग गया, चौथे दिन वो नरीमन पॉइंट के पास खड़ी हो गई, चली नहीं रही थी, तो रोल्स रॉयस का तो मैकेनिक डायरेक्ट वहां से आता है, वारंटी होती है, उसने बोला कि बोनेट खोलो, बोला तो खुला और देखा तो इंजन ही नहीं उसमें, तो मालिक बोलता है कि ये 6 दिन चली कैसे, बोलते रेप्यूटेशन पे चली। इससे बड़ा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता सर, इससे बड़ा तो जिसका रेप्यूटेशन है उसकी फिल्म चलती है, तो बाकी के क्या करेंगे यार। यही होता है इस इंडस्ट्री। हमारे पब्लिक को भी ये ध्यान में आना चाहिए कि छोटी सी छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, ज्यादा परवाह नहीं हो मुझे ऐसे। मगर उनको खाम का खराब, मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूं उनका। तो उनकी फिल्में कभी कभी इतनी भद्दी होती है, मगर रेप्यूटेशन पे पहला दिन तो चलता ही है, तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए पूरे भारत देश में तो उसकी तो हिट हो गई ना फिल्म। बिल्कुल, नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी विपदा ही मान लीजिए, या एक वो है कि हाल फिलहाल मुझे ये लगता है कि मैंने सोचा था कि ये रिपीट होगा, बट अभी इसका एसेंस ऐसा रखते हैं कि संडे को 8 से 9 आप सुने, थोड़ा सा इसको ऐसा रखेंगे कि इच्छा जागृत रहे, मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक डिमांड, एक देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ सर आपको,
आपको ये ध्यान होता है इनविटेशन कार्ड आया है और उस दिन उस फलाने की शादी है, राइट? अब वो सैटरडे को होती है, संडे को होती है, बट आप एक प्लान बना के रखते हैं, अपने बच्चे माता पिता सब रेडी रहते हैं, 5 बजे से रेडी होना शुरू होते हैं, कपड़ों का सिलेक्शन होना शुरू होता है, आप 7 बजे गाड़ी में बैठते हैं और 9 बजे उसके यहाँ शादी में चले जाते हैं। ये हर वीक हो, क्यों? यू शुड सेलिब्रेट यूर हैप्पीनेस। आप एक बार करके देखो सर, आपको ये फील होगा, 8 से 9 15 मिनट का बीच का ब्रेक है, सुरेश जी को आप सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एक बार उस दौर को लेके आओ सर। आपका जहान चेंज ना हो जाए ना सर, मेरे नाम बदल देना। मैंने इस चीज को, ये साइकोलॉजिकल एक छोटा वर्ड है इसके लिए, इट इज अ टेस्टेड। संगीत से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है सर इस दुनिया में। एक एक राग, आज आप दीदी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप दीदी, ये वो खानदान है जिसने अभी भी इस परंपरा को संजोए हुए, इसको संभाला हुआ है। आप बताइए कौन सा इंसान है जिस खानदान ने, ये पूरा खानदान कितने लोगों को, कितने बालकों को, कितने बच्चों को संगीत की शिक्षा देता है? किसी ने इसको डिस्कवर किया? क्यों नहीं मिलता ये अप्रिसिएशन? उसके दो रीजन है। एक तो इंडस्ट्री एक झोंके की तरह से चलती चली जाती है, उस साहब ने जो वर्ड बोला कि वो भेड़ चाल, और रॉयल्स रॉयस अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता ना सर। एक बार आप जा सकते हैं, इंडस्ट्री नंबर्स पे चली गई है, क्वालिटी क्वांटिटी पे चली गई। आज आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज मुझे आप एक कैमरा दे दीजिए, मैं एक ट्रेन में जाता हूँ, वो दो, एक बीड़ी पी रहा है उसको रिकॉर्ड करता हूँ, एक बेचारी लेडी बैठी है वो अपनी गठरी बांध के बैठी है, तीसरा एक भिखारी बैठा है, चौथा हॉस्पिटल में मैं किसी मरीज को ड्रिप लगते हुए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक बच्चे को मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्रिकेट खेल रहा है। अब ये रिकॉर्ड करके मैं उसको थोड़ा स्लो मोशन और डाल देता हूँ, सोचता हूँ नाम क्या रखूँ इसका, नाम रख देते हैं बस यूं ही, मैं आपको पिक्चर बना के 50 करोड़ फर्स्ट डे इकट्ठे करके दे दूँ। क्या कंटेंट है? इट्स नथिंग। जब तक आप लोगों को कंटेंट ही नहीं देंगे, आप आज की डेट में आप मुझे कोई भी एक मूवी का नाम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई भी ऐसा गाना बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आपके मुंह पे हो भी नहीं है। इंडस्ट्री के पास कंटेंट ही नहीं, इसीलिए जिन लोगों के पास कंटेंट है, जिन लोगों ने इसको धरोहर बना के रखा है, एटलीस्ट हमारा फर्ज बनता है। देखो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको कल रात को बोला, उसको मैंने बोला 1 तारीख को, देखो मैंने पूरे ऑल इंडिया में जितना ब्रॉडकास्ट फीस माय एफएम को दिया होगा ना सर, उससे 1.5 गुना खर्चा किया होगा प्रिंट पे, 55 लाख सिर्फ कि तुम उठो एक सुनो किसी इंसान को जो हमारा इंडस्ट्री का इतना बड़ा लेजेंड है, उसकी आवाज सुनेंगे। आज सुरेश जी जैसे इंसान है, अगर हम इस धरोहर की कदर नहीं करेंगे कौन करेगा सर? किसके पास है ये बीड़ा? मैं अपना पूरा सब कुछ लुटा सकता हूँ, आई एम रेडी टू स्पेंड एवरीथिंग, नॉट इवन माई सेविंग्स, आई एम रेडी टू स्पेंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी टू हैव द एक्सेस ऑफ दिस काइंड ऑफ लेजेंडरी आर्टिस्ट। और ये हमारी धरोहर है दोस्तों, हम लोग ध्यान नहीं रखते, ये मैं बिल्कुल, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी उनमें से एक ही था, बट आई डिड, मैंने अपना प्रयास किया और ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ा, इतना सम्मानपूर्वक ऐसी चीज दी, आई एम ब्लेस्ड। माई एफ एम ने ये अपॉर्चुनिटी समझी, आई थिंक सचिन वॉज देयर, सचिन ने एक मेल में वीसी किया और मैंने इनको कन्फर्म कर दिया, दे सेड इतना पैसा, आई सेड ओके। बट जो ये शहद आपको दे रहे हैं ना सर, ये एक बार आप चख के देखिए, यू विल फील योर लाइफ गॉट चेंज्ड। अब मैं, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं शो बिज में हूँ मगर शोबाज नहीं हूँ मैं। मुझे बहुत ज्यादा उसका आवडंबर करने आज तक नहीं आया है, अभी 70 के करीब हो रहा हूँ मैं, आज तक नहीं आया, तो इसके बाद क्या करेगा। मगर इस भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको लगा मेरे गानों के लिए प्रेम, उनका जब जागृत हुआ उनको लगा कि भाई ये करना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग आगे बढ़ गए। शोबाजी इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि शोबाजी भी है ना, वो किसी एक लेवल तक चलती है। इसको सही मानों में दुनिया के दिलों पे, दुनिया के मैप पे
ये लोग ही पहुंचा सकते हैं। अब देखिए किसी एक्टर को सादा, हाँ भाई साहब, किसी एक्टर की छीछी उंगली को कुछ लग जाता है तो पेपर में आ जाता है। बिल्कुल सही बात, आप समझ सकते हैं। आज उनका पेट ठीक नहीं है, अरे उसके पेट का और हमारा संबंध क्या है? तो पब्लिसिटी की भी एक होती है, जो क्या कहते हैं ना कि, और आदमी को, आर्टिस्टों को आप लोग जिंदा रख सकते हैं तो आप मुझे बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। खाली 5 लोगों को अगर आप बढ़ाएंगे तो बाकी 50,000 कहाँ जाएंगे? जैसे मैंने गाने की बात की, म्यूजिक डायरेक्टर की बात की, भाई ये सब हमारा मिला जुला है, हम सब भाई भाई अगर हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है। दिसंबर महीने पूरा शादियों का महीना है और जो आपने 8-9 का टाइमिंग चुना है, हर संडे को उस वक्त पे शादियां होती हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह? अरे बड़ा मजेदार है, इसी में तो है सारी, यही मैकेनिज्म है। शादी में आप जाएंगे कोई भी डेस्टिनेशन, बॉम्बे कहीं भी ले लीजिए, कहीं कोई भी जो भी सिटीज हैं, 1 घंटा 1/2 घंटा लगता है। मजा तो जब आएगा जब वो बंदा कहेगा कि 10 मिनट और रुक जा, अपन 10 मिनट बाद चले चलेंगे शादी में। शादी में पहुंचना होता है ना गाड़ी में। मजा जब आएगा जब आपका एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आएगा कि वो लेडी बोल रही होंगी कि शादी तो 8 बजे तक 9 बजे तक भी चलेगी, 1 मिनट ये प्रोग्राम सुन के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक क्रिएट करना। आप देखो ये एक कोई ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स हैं, ये ऐसे ऐसा शहद है जो वेरी जेनरिक और नेचुरल है। एक बार आप टेस्ट करेंगे ना उसके बाद अपने आप ये कहेंगे नहीं यार, एक पैक चल, दूसरा चल, तीसरा, तो 8 गाने सुने बगैर आप जाएंगे नहीं। इसका इसमें पॉडकास्ट रहेगा स्टूडियो रिफ्यूल का, वो बहुत जल्दी अभी प्लेटफॉर्म आने वाला है। वो एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एक सुरेश जी उसके यूं मान के चलिए कि पेरेंट हैं, पेरेंट मतलब जिन्होंने वो चीज़, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे ये पॉडकास्ट में मिलेंगी आपको वहाँ। बिल्कुल, हम इंडस्ट्री की तरफ से 18 दिसंबर को हम लोग मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में हम लोग बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन जो वो कर रहे हैं, पर हमारी पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने उसका इनिशिएटिव लिया हुआ है और उस दिन प्रोग्राम हो रहा है। मैं, नितिन, मुकेश, शैलेंद्र सिंह, हम लोग सब गा रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी है, सर का गोल्डन बटन आया है, आइए सर आपका गोल्डन बटन। क्या है गोल्डन बटन? आपका गोल्डन बटन आया सर, आपके अच्छा आपके खोलना है सर, आपको ही खोलना है सर। ओके पहले ये मैं निकालता हूँ, लीजिए हाँ अभी आपको पूरा दिखाते हैं। लीजिए सर आपके चैनल का सर, देखिए किसी ने तो गोल्ड दे दिया, अब प्लैटिनम आएगा, डायमंड है इसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, बोल रहे मुंडे जिंकले सर। थैंक यू सो मच। कितनी गरीबी है, अब प्लेटिनम आएगा इसके बाद।